जब से हम पेस्ट करने लगे हैं तब से हमारे दांतों की आयु छोटी हो गई और हमारी भी आयु छोटी हो गई। जो पेस्ट ब्रश करते हैं उनके दांतों की आयु भी छोटी होती है, समझ रहे हैं, और जीवन की आयु भी छोटी होती है। परंतु जो दांतुन करते हैं वनस्पतियों ने क्या देते हैं, आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य और वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि हमारे वनस्पति हमें देते हैं। तो आप बताइए पेस्ट करना चाहिए कि दांतुन? आप सबसे पूछ रहा हूं, बोलो क्या करना पसंद करोगे? ये चीज दांतुन करने से मिल जाती है। अब दांतुन किस किस की कर बताएं कि रहने दें। पहली है बबूल, एक है नीम, नीम देख रहे हैं ना सामने, नीम की दांतुन। दूसरी है बबूल की, तीसरी है मौलश्री, चौथी है गूलर। अब ये दांतुन कितनी उम्र लंबी होनी चाहिए? बोले 12 अंगुल, 4 4 4। ये 12 अंगुल की लंबी दांतुन लावे। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा न करें, जिस दिन श्राद्ध है व्रत है ना, उस दिन हमें दांतुन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ लें प्रतिपदा। और कब कब न तोड़े ये भी ध्यान रखें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठमी तिथि की तिथियों और रविवार और चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दांतुन भी ना करें। कब कब नहीं करना है? इन दिनों में दांतुन नहीं करना है। संभालू, पीपल, बड़, अरंड, गंधहीन वृक्षों की दांतुन ना करें। दांतुन किस किस की नहीं करनी है? संभालू एक पेड़ होता है, पीपल की दांतुन नहीं करनी है, बट की भी दांतुन नहीं करनी है, अरंडी जो होती है उसकी भी नहीं करनी, और गंधहीन जो भी वृक्ष हैं उनकी दांतुन ना करें।